Hey guys, I hope you all are doing fine. It's going good at your end. And aap log padhai kar rahe hain ghar pe, not wasting your time here and there. Because you're not going to get it back. This time is not going to come back. So please use your time wisely and keep studying. Apne end per chapters khatam karte jaiye so that whenever we meet again, we are in a comfortable position to continue jahan se bhi apan start kare. आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर 8 ऑफ योर मॉड्यूल विच इज़ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ECB. आपके पास जो मॉड्यूल है, सबसे पहले तो जिनके पास दिसंबर सेशन वाला मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से इस चैप्टर को ना पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है. जून 2020 वाला मॉड्यूल डाउनलोड कर लें और उसमें से ये चैप्टर पढ़ें, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. जो दिसंबर वाली मॉड्यूल में है वो पुराने फॉर्मेट के हिसाब से, मतलब RBI ने इसमें बहुत सारे चेंजेस डालकर पूरा ECB फ्रेमवर्क को जो है वो चेंज कर दिया है. तो अपन जो अभी करेंगे वो न्यू फ्रेमवर्क के हिसाब से करेंगे. नोट्स आपके फोल्डर में हैं, ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं एंड वो न्यू फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं. चलिए स्टार्ट करें. पहले तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, इसमें जो तीन वर्ड्स हैं, दैट इज़ जो तीन वर्ड से पूरा बना हुआ है, विच इज़ एक्सटर्नल कमर्शियल एंड बोरोइंग्स. व्हेन यू से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से कुछ आया हुआ, बाहर का, सो आउटसाइड. कमर्शियल से मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू कॉमर्स, रिलेटेड टू योर ट्रेड एंड कॉमर्स. बोरिंग्स का मतलब होता है उधारी, प्लेन हिंदी में, या फिर इंग्लिश में इसका मतलब हो गया लोन्स. तो एक बात तो क्लियर है, जो हम ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपने जो बाहर से लोन्स लिए हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, उनके बारे में अपन को पढ़ना है, पूरा फ्रेमवर्क पढ़ना है कि कैसे आप बाहर से लोन ले सकते हो. एंड व्हेन आई एम सेइंग आउटसाइड, इट मीन्स फॉरेन टेरिटरी, यानी इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर. ओके, तो अपन को ये चीज़ इसके अंदर पढ़नी है कि जब आप इंडिया के बाहर से लोन लेते हो फॉर योर कमर्शियल पर्पसेस और बिजनेस पर्पसेस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, कौन से फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, कैसे होगा, कितना मैच्योरिटी होगा, क्या होगा, ये सारा पूरा फ्रेमवर्क अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. ओके, सो दिस इज़ वॉट दिस चैप्टर इज़ अबाउट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, बाहर से लिए गए लोन्स के बारे में आपको पता करना है. इसमें आप क्या कर सकते हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस, बिकॉज आप पूरे लोन को स्क्रूटनाइज कर सकते हो, पूरे लोन को शुरू से स्टार्ट कर सकते हो. कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए जिसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स चाहिए या बाहर से कोई बोरोइंग्स चाहिए, तो क्या क्या करना पड़ेगा, आप उसको पूरी कंसल्टेंसी दे सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सकते हो, एंड सिंस यू आर अ CS इन प्रैक्टिस, तो आप उस पर सील साइन करके भी दे सकते हो कि ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सबमिट कर रहे हैं ये पूरी की पूरी जेन्युइन है. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अपन इंडिया के बाहर जाएं, उससे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप इंडिया में ही बोरोइंग्स करते हो, जब आप कोई भी नॉर्मल लोन लेते हो किसी भी बैंक से या किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर देखनी पड़ती है. मान लीजिए आप खुद के लिए, अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप लोन लेने के लिए गए, सबसे पहले वो आप जब बैंक को अप्रोच करोगे या किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करोगे, सबसे पहले वो क्या करेगा, नंबर वन आपसे पूरा आपका बैकग्राउंड लेगा, ठीक है, बैकग्राउंड पूरा ले लेगा, जिसको अपन बैंकिंग की भाषा में कहते हैं KYC, नो योर कस्टमर. आपकी पूरी जानकारी आपसे ली जाएगी कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी. दूसरा आपसे पूछा जाएगा पर्पस. बेसिकली अगर आपको लोन चाहिए तो आपको क्यों चाहिए, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, व्हाई आर यू बोरोइंग द मनी, कहीं लोन लेकर कुछ और तो नहीं करोगे, तो आपको पर्पस बताना पड़ेगा कि आप किस पर्पस के लिए जो है वो लोन आप लेना चाहते हो. अब खुद नॉर्मल इंसान की तरह सोचो, आप बैंक के अंदर गए हो, आपको लोन चाहिए, आपने अपना बैकग्राउंड पूरा दिया, इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ये हूँ, ये यहाँ रहता हूँ, यहाँ से आया हूँ एंड ये करता हूँ, मुझे इतना इतना लोन चाहिए,
फिर वो आपसे पूछेंगे क्यों चाहिए, तो आपने बता दिया भाई चलो मशीनरी ख़रीदनी है उसके लिए मुझे लोन चाहिए, ठीक है। फिर आपको लोन तो चाहिए, लेकिन लोन कुछ भी आप ख़रीदने जाते हो, आप यहाँ पे पैसे ख़रीदने जा रहे हो, आप लोन ख़रीदने जा रहे हो, तो बट ऑब्वियस ही बात है कि वो फ्री तो मिलेगा नहीं। तो आप पूछोगे कि ये फ्री तो मिलेगा नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, आप बैंक वाले से पूछेंगे कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है। इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर कितना लगेगा, चार्जेस जो हो गए आपके, नॉट चार्जेस एग्जैक्टली, बट ये है आपके पर मंथ का बोरोइंग कॉस्ट, कि आपने अगर कुछ बोरो किया है तो उस बोरो करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ रहा है, वो आपका कॉस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट तो एक पार्ट है, इसके इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो आपके अकाउंट के अंदर, लोन अकाउंट के अंदर लगते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए, डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हो गए, वेरिफिकेशन के चार्जेस हो गए, ये बहुत सारे चार्जेस जो हैं जो आपके लोन के अंदर लगते हैं। तो आप उनसे पूछोगे कि इसके अलावा और कोई चार्जेस हैं या नहीं है, ठीक है, नंबर चार। नंबर पाँच, फिर वो आपसे बोलेंगे चलो लोन तो ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन आपके इस बिहाफ पर गारंटी कौन लेगा, अगर कल को आप बैंकक्रप्ट हो गए या आप भाग गए या आपने कुछ भी किया, तो फिर ये जो लोन हमने आपको दिया है वो तो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, हमारे पास क्या सिक्योरिटी रहेगी कि आप कल को आकर ये लोन हमें वापस दोगे ही दोगे। तो आपसे पाँचवीं चीज़ जो वो पूछेंगे, वो बोलेंगे आप एक तो गारंटी दो कि अगर आप नहीं तो और कौन आपके बिहाफ पर आके करेगा, प्लस आप जो ये लोन ले रहे हो इसके ऊपर हमको सिक्योरिटी भी चाहिए, यानी आप इसको कवर करके जाओ कि अगर कल को कुछ हुआ तो हम कोई एसेट या कुछ ये सिक्योरिटी बेच कर अपने इस लोन को वापस रियलाइज़ कर सकें, ठीक है। इतना डिस्कस होने के बाद, सारी चीज़ें पता लगने के बाद, अगर आप हाँ बोलोगे तो बैंक वाला भी बोलेगा ठीक है हाँ, फिर आपसे सारी फॉर्मेलिटीज़ या डॉक्यूमेंटेशन, आपसे फॉर्म्स भरवाए जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा फिर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद पूरा आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, फिर आपसे एक प्रोजेक्ट लेंगे वो लोग, प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप ही दो या बैंक वाले खुद भी बनाते हैं, विच इज़ बेसिकली टू स्टडी द फीजिबिलिटी, जिसमें ना सारे प्रोजेक्शंस होते हैं कि हम कब कब कितना कितना प्रॉफिट कमाएंगे और हमारा जो भी प्रॉफिट होगा क्या वो इस लोन की इंस्टॉलमेंट्स को कवर भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या हम इंटरेस्ट भी भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, वो आएगा आपका सेवेंथ स्टेज पर। सारा प्रोजेक्ट बनने के बाद, एनालिसिस होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, लास्ट में जो है आपको सैंक्शन दे दी जाएगी कि ये आपका लोन सैंक्शन हुआ है, इतना इतना अमाउंट है और अब इस सैंक्शन को आप अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा लोन का प्रोसेस जब आप इंडिया में लोन लेते हो तब। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज़ फॉर वॉट एवर लोन्स दैट यू टेक इन इंडिया। इसी से ही समवॉट सिमिलर, आई एम नॉट सेइंग इक्वल बट सिमिलर होता है अपना ECB का फ्रेमवर्क, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सिमिलर हैं। तो जो अपन इंडिया में ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वही अपन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में भी ध्यान देंगे, कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप बाहर से, यानी इंडिया के बाहर से आप बोरोइंग करने के लिए जा रहे हो या करने वाले हो तब, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, सबसे पहला तो इंटरेस्ट और चार्जेस, ठीक है। तो ये जब मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट प्लस चार्ज, जितने भी चार्जेस इसके ऊपर लगने वाले हैं वो, इन दोनों को जब आप मिला देते हो ना, तो इसका टोटल कॉस्ट निकल आता है कि ये लोन को लेने का मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया। इंटरेस्ट तो मेरा फाइनेंस का कॉस्ट था, ठीक है, ये मेरा फाइनेंस कॉस्ट था कि ये बोरोइंग करने के लिए मैं मेरे को कितना फाइनेंशियली कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो मेरा फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगा। जो इसके ऊपर चार्जेस हुए ना, वो मेरी तरफ से एक तरीके के एडमिन चार्जेस हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने प्रोसेसिंग कराई, उसके वन टाइम चार्जेस लगे, डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस लगे, कोई और मुझे फ़ी देनी पड़ी वो चार्जेस लगे, तो ये सब एडमिन चार्जेस हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल आएगा कि इस लोन को लेने के लिए मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया।
तो वो जो भी टोटल कॉस्ट होगा ना, बैंक इसके ऊपर एक लिमिट लगा देता है। बैंक के जो रूल्स होते हैं, आरबीआई ने भी बोला है कि आप इन कॉस्ट के ऊपर जो है वो लिमिट लगाओ, लिमिट द कॉस्ट सो दैट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव फॉर द पीपल टू बोरो द मनी। जो ये लिमिट लगी है ना कॉस्ट के ऊपर, इसको बोला जाता है ऑल इन कॉस्ट, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। ठीक है, मतलब ऑल इन कॉस्ट मतलब जब आप ऑल इन कॉस्ट कहते हो तो इसका मतलब होता है जितने भी कॉस्ट होंगे इस लोन के ऊपर या जितने भी चार्जेस होंगे सारे मिलाकर, ऑल द चार्जेस शुड बी इंक्लूडेड, तो उतने चार्जेस ही होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, मैंने बोला कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब लोन लोगे तो इसमें ऑल इन कॉस्ट जो आपका चार्जेस आएगा वो आएंगे 15%, या चलो 10% मान लो, 10% जो है वो आपके ऑल इन कॉस्ट के चार्जेस आएंगे। इस हिसाब से आपका टोटल जो भी आना चाहिए वो 50,000 आपके इसके ऊपर चार्जेस आ जाएंगे। अब जब इन्होंने ऑल इन कॉस्ट मुझे 10% बोला तो इस 10% के भी चार्जेस होंगे, कंपोनेंट्स होंगे बेसिकली। ठीक है, मान लीजिए 7% तो इंटरेस्ट हो गया, फिर बोलेंगे 1% आपका प्रोसेसिंग चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो बोल सकते हैं कि 1.5% डॉक्यूमेंटेशन फी। ठीक है, बाकी का जो भी 0.5 बचेगा दैट इज अदर चार्जेस। तो ऑल इन कॉस्ट मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए मेरा, 10%, उसे कहते हैं ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। ये हर बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करता है। वैसे ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी एक ऑल इन कॉस्ट सीलिंग लगाई गई है कि जो भी आप लोन्स बोरो करोगे उसमें एक लिमिट तक चार्जेस लगेंगे, कहीं पर भी उस लिमिट से बाहर जाकर जो है चार्जेस नहीं लगने चाहिए। एक चीज़ इसके अंदर ये है जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि ऑल इन कॉस्ट सीलिंग जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो वो कितनी है क्या है वो अपन नोट में जब अपन जाएंगे तब अपन उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर लगती हैं। ये पूरा प्रोसेस है जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो या कुछ करते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, आई विल जस्ट शो यू अ सैंक्शन लेटर ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट्स। जब आपका सैंक्शन हो जाता है ना उसके बाद आपको एक सैंक्शन लेटर दिया जाता है जिसमें सारी की सारी टर्म्स वो लोग लिखते हैं कि आपने कितना लोन बोरो किया, कहाँ से बोरो किया और क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब उसके अंदर लिखा जाता है। सो आई विल शो यू वन ऑफ द लेटर्स ऑफ माई क्लाइंट्स, जो एक बैंक से इशू हुआ हुआ लोन है उसको आप देखिए कि उसमें क्या क्या लिखा रहता है। दैट इज़ नॉट एन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, दैट इज़ जस्ट एन इंडियन बोरोइंग। देखिए, सो दिस इज़ अ बैंक ऑफ बड़ौदा सैंक्शन लेटर फ्रॉम SME लोन फैक्ट्री भोपाल। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, नेचर ऑफ फैसिलिटी क्या है आपका, टर्म लोन 3। इन्होंने ऑलरेडी 2 लिए हुए थे और ये तीसरा लोन है, तो दिस इज़ टर्म लोन 3। इसकी लिमिट कितनी है, प्रपोज टर्म लोन इज़ ऑफ ₹58 लाख। अब पूछेंगे कितने का लोन चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी और इंस्टॉलेशन ऑफ एस वर्टिकल टरंट लैथ मॉडल VTL40 मशीन, मशीन लगाने के लिए और ख़रीदने के लिए इनको ये लोन चाहिए। मार्जिन कितना है इसके ऊपर, 25% फॉर द परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जितना भी आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू होगा उसमें से ये लोग आपको 75% का सैंक्शन दे देंगे, और जो 25% है वो आपको अपने एंड से लगाना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0.45% ओवर 1 ईयर MCLR। MCLR जो होती है वो बैंक की रेट होती है, प्लस SP दैट इज़ 9.4% सब्जेक्ट टू द चेंज एज पर द क्रेडिट रेटिंग चेंज इन MCLR रेट एंड गाइडलाइंस ऑफ द बैंक और दी RBI। RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से ये लोग चार्ज करते जाएंगे
MCLR जो होती है वो लेंडिंग रेट होती है RBI की, मतलब जिस रेट पर RBI बैंक्स को लोन देगा। अब अगर इस बैंक ऑफ बड़ौदा को 58 लाख का लोन इशू करना है तो उसको 58 लाख खुद भी बोरो करने पड़ेंगे फ्रॉम द RBI। मान लीजिए अगर RBI ने जो MCLR है वो 5% है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं 0.45% इसके ऊपर, तो प्लस 0.45 हो जाएगा, ये RBI का है। हाँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा कितने चार्ज करेगा, 5 प्लस 0.45, सो 5.45% यहाँ आ जाएगा। नाउ दिस विल कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, ये फ्लक्चुएटिंग रेट होती है, फिक्स नहीं होती। यहाँ पर इन्होंने 9.4% लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द चेंज, मतलब जब ये लेटर बना होगा तब 9.4% होगा, और ये सब्जेक्ट टू चेंजेस है एज पर द RBI गाइडलाइंस। The rate of interest shall be valid for 12 months from the date of sanction or the date of review, whichever is earlier. The rate of interest is subject to the change in time as per, मतलब आपको पता ही है कि RBI के हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। अब प्रोसेसिंग चार्जेस मैंने कहा था, एक तो ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट हो गई, आपकी इंटरेस्ट, अब जो भी चार्जेस आएंगे ना वो एडमिन में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग चार्जेस, कितना हो गया, 1% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST जितना भी होगा। अब इसकी भी एक सीलिंग होगी कि आप टोटल लोन अमाउंट का कितना परसेंट तक चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस, मॉर्गेज सब उस सीलिंग के अंदर आ जाएगा। मॉर्गेज क्रिएशन चार्जेस, ये भी एक चार्जेस होते हैं, जब आप मॉर्गेज करोगे तो मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट भी बनेगा, तो वो भी एडमिन में आएगा। पर बोरोइंग एंटिटी विथ फंड बेस्ड FB प्लस NFB, मतलब फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स ऑफ अबव 1 करोड़ to 10 करोड़ इज 15,000 रुपीज़। The charges are applicable for extension of mortgage or for enhancement of the substitution of title deeds also. और कोई charges होंगे तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो जैसा RBI ने determine किया होगा उतना ही आपको charge करना है, as per the schedule of service charge circular number, जो भी इनका circular है उसके हिसाब से charge होगा। लोन का पीरियड क्या है, 58 months including 4 months moratorium. Moratorium मतलब वो वाला पीरियड जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होता है, कोई रीपेमेंट नहीं होती, ठीक है। और ये 58 मंथ्स के अंदर जो है वो वापस होगा लोन। रीपेमेंट शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, रीपेबल इन 54 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इसलिए क्योंकि 4 मंथ्स का मॉरेटोरियम था, तो बैलेंस कितना बच गया, 54। तो जब 4 महीने ख़त्म हो जाएंगे, 5वें महीने से आपकी इंस्टॉलमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लगाए हैं वो यहाँ पे लिखा रहेगा। तो इस हिसाब से जब आपका सैंक्शन होता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो सैंक्शन लेटर के अंदर लिखी जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जब भी आप कहीं से कोई लोन या बोरोइंग लेने के लिए जाते हो, ठीक है। अब कैसे होता है, क्या होता है, अगर आप अपनी ट्रेनिंग में कभी बैंक में गए फॉर ऑडिट तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। हालांकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब आप वहाँ पे लाइव देखते हो कि लोग कस्टमर्स आते हैं और अपनी डील करते हैं कि हमको ये इतना इतना लोन चाहिए, उनकी फाइल्स बनती हैं, सब होता है। हम लोग जब ऑडिट पर जाते थे तो हम लोग भी ये सब करते थे। तो इट यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज व्हेन यू गो आउट इन अ बैंक फॉर ऑडिट एंड ऑल दोज पर्पसेस, जब आप खुद सामने से देखते हो कि कैसे सारी चीज़ें करी जाती हैं। तो आई होप अभी तक जो भी मैंने समझाया पूरा लोन का प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस जो इंडिया में नॉर्मली होता है जब आप लोन लेने के लिए जाते हो। तो ये सिर्फ अपन ने अभी इंडिया तक का प्रोसेस देखा। इन्हीं सेम लाइंस पर जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी बेस्ड है, यानी कि अगर आप बाहर से लोन लेने जाते हो तो आपको यही ऐसा ही कुछ प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जब आप बाहर से लेने जाओगे यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आप करोगे तो उसमें भी दो कैटेगरीज होंगी। कैसी दो कैटेगरीज इसमें बना सकते हैं, एक होता है ECB इन फॉरेन करेंसी और एक होता है ECB इन इंडियन नेशनल रुपी यानी INR, ठीक है। ये दोनों ही आप एक्सटर्नल बोरो एक्सटर्नल लेंडर्स जो बाहर से आपके जो बाहर के लोग होंगे ना इंडिया के बाहर के, ये दोनों ही लोन्स आप एक्सटर्नल लेंडर्स से लेते हो। ये वाला जो लोन है ये फॉरेन करेंसी में मिलेगा यानी डॉलर और
पाउंड या जो भी करेंसीज होंगी वो, और ये वाला जो लोन होगा ये सीधा का सीधा स्टार्टिंग से ही जो है ये रुपी में मिलेगा। तो यहाँ पर जब ये इंडिया में रिपैट्रिएट होगा तो ये रुपीज़ में ही आएगा, और ये वाला जो होगा जब इंडिया में रिपैट्रिएट होगा यानी आपके पास आएगा तो ये आ सकता है डॉलर में, पाउंड में, एक्सेट्रा, और फिर इसको आगे हम कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ के अंदर। ठीक है, तो इन दो तरीके से आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ले सकते हो। इट कैन आइदर बी इन फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन और इट कैन बी इन द इंडियन रुपीज डिनोमिनेशन। दैट डिपेंड्स कि आपका क्या अरेंजमेंट हुआ है। चलिए नाउ लेट्स गेट टू द नोट्स। अपन नोट्स के साथ इसको शुरू करते हैं। नोट्स आप डाउनलोड करके प्लीज़ यूज़ करिए। सो दीज आर योर नोट्स फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जो शुरू में ही लिखा हुआ है, इट इज़ नॉन रेसिडेंट एंटिटी विच इज़ अ लेंडर विच लोन्स, यानी अब आपको ये लेंड करेगा, विच लोन्स यू मेनली कमर्शियली, जो कमर्शियल पर्पस के लिए मिलते हैं वो लोन्स, टू द रेसिडेंट एंटिटी विच इज़ द बोरोअर। ये है आपका पूरा ईसीबी का बेसिक मीनिंग कि ईसीबी होता क्या है। किसी बाहर के लेंडर से आपने लोन लिया फॉर कमर्शियल पर्पसेज इन इंडिया। फ्रेमवर्क जो इसका होगा, दो तरीके से मैंने आपको बताया कि मिल सकता है। इट कैन बी आइदर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और इट कैन बी INR, इंडियन रुपी डिनोमिनेशन। तो करेंसी होगी एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फ्रीली कन्वर्टेबल मतलब ऐसी करेंसीज जो आसानी से कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल US डॉलर, पाउंड, एक्सेट्रा, ये सब इजिली कन्वर्टेबल एंड फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज हैं। एंड यहाँ पर जो लोन इशू होगा दैट विल मीन इंडियन रुपीज़। फॉर्म्स ऑफ ECB यानी किस किस तरीके से आप ECB को रेज कर सकते हो। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन्स प्लस बैंक लोन्स। यहाँ पे लोन्स प्लस बैंक लोन्स लिखा है बिकॉज लोन्स जो है वो अदर देन बैंक जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे भी ले सकते हो। यहाँ पर भी क्या लिखा है, लोन्स एंड बैंक लोन्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स दैट इज़ फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट। आप चाहो तो नोट्स इशू करके, नॉट करेंसी नोट्स पर सब्सक्रिप्शन नोट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स या कुछ, या फिर और भी कोई कमर्शियल पेपर्स टाइप जो नोट्स होते हैं ना, वो आप इशू करके कर सकते हो जिन पे आपको फ्लोटिंग या फिक्स रेट पर इंटरेस्ट देना होता है। वैसे ही इंडियन रुपीज़ में भी नोट्स पे आप इशू कर सकते हो। बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो अपने, नॉट इंक्लूडिंग फुली एंड कंपल्सरली कन्वर्टेबल, मतलब अदर देन फुली और कंपल्सरली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो हैं उनको आप इशू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी आप यहाँ पे इंडियन रुपीज़ वाले में इशू कर सकते हो, नॉट इंक्लूडिंग फुली एंड कंपल्सरली कन्वर्टेबल। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आप यहाँ पे इशू कर सकते हो। सिंस ये फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड है तो FCCBs यहाँ पर ऐड कर दिया गया है विदाउट एनी वारंट अटैच्ड। एंड FECBs भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप FECBs जब इशू करोगे तो इस हिसाब से FECBs के लिए भी आपको यहाँ पे करना अलाउड है। ठीक है, दिस इज़ नॉट FECB, इट शुड बी FCEB, प्लीज़ करेक्ट दिस। दिस शुड बी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, FCEBs जो होते हैं ये वो होंगे। ठीक है, अब FCCBs और FCEBs जो है उसका फ़र्क क्या होता है। जो FCCBs होते हैं ना, इसमें जो भी शेयर्स आपके कन्वर्जन पे मिलेंगे दैट वुड बी ऑफ योर कंपनी ओनली, और FCEBs में क्या होगा, जो शेयर्स कन्वर्जन के टाइम पे मिलेंगे दैट विल बी ऑफ अदर कंपनीज। ठीक है, देन ट्रेड क्रेडिट्स। ट्रेड क्रेडिट्स क्या होते हैं, आपको ट्रेड करने के लिए जो क्रेडिट्स मिलेंगे, कई बार ना आपको बिजनेस कैरी आउट करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं तो उसे ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड क्रेडिट की बात कर रहे हैं, यानी 3 साल के ऊपर वाले।
फिर आता है आपका फाइनेंशियल लीज, लीज़ के तौर पर भी पैसे दिए जा सकते हैं। फिर आपका आता है प्लेन वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। ये प्लेन वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो होते हैं, प्लेन वेनिला क्या होता है ये आप SML में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि प्लेन वेनिला उस, क्योंकि ये जो टर्म है ये जब आप पूरा बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आपको SML जब आप पढ़ेंगे तब उसमें आपको प्लेन वेनिला के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हु कैन बोरो यानी कौन बोरो कर सकता है। ऑल दी एलिजिबल एंटिटीज़ एज पर FDI। अब FDI में जो जो एंटिटीज़ हैं जिनमें FDI अलाउड है वो एंटिटीज़ बाहर से पैसा बोरो कर सकती हैं। कौन सी एंटिटीज़ हैं अपन चैप्टर 5 में करेंगे, प्लस इंक्लूडिंग पोर्ट ट्रस्ट, ACZ में जो यूनिट्स लोकेटेड हैं वो, SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो SIDBI है वो बोरो कर सकता है, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बोरो कर सकता है यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन रुपीज़ में कौन डिनोमिनेटेड जो है वो बोरो कर सकता है, ये तो सारे कर ही सकते हैं इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB। इनके अलावा और कोई ऐसी एंटिटी जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ के लिए रजिस्टर्ड जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज, ट्रस्ट एंड NGOs, वो अगर चाहें तो वो इंडियन रुपी ECB कर सकते हैं। ये फॉरेन में नहीं लिखा हुआ है, इनके लिए INR ECB जो है वो INR यानी इंडियन नेशनल रुपी में चाहे तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को ले सकते हैं। तो क्लियर हुआ ये, आई होप ये क्लियर रहा होगा कि आप जो फ्रेमवर्क है इसका बेसिक, कि आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB कहाँ से ले सकते हो और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB भी आप कहाँ से ले सकते हो। ठीक है, फॉर्म्स समझ आए, बेसिकली फॉर्म्स का ही है मेन कि आप कैसे कैसे ECB को रेस कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देख के इसका समझाता हूँ क्योंकि अपन इसमें अकाउंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, अकाउंट्स का यूज़ करके आई शुड एक्सप्लेन इट टू यू, मे बी तब शायद ज़्यादा जो है वो आपको क्लियर हो। मान लीजिए मेरी कंपनी है A लिमिटेड इंडिया में। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है कंपनी, इससे मैं बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो है वो इशू करूं अब्रॉड। ठीक है, फिर ये जो भी इसमें रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे और वो सब मुझे फॉलो करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह जो भी होगा, तो वो सब अपन को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए वो सब फॉलो हो गया। अब मैं आता हूँ मेरी बैलेंस शीट पर, ठीक है, ये हो गई मेरी बैलेंस शीट। अब मैंने ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करे इन द ईयर 2019 और ये जो मेरी बैलेंस शीट है ये मेरी 2019-20 की ही बैलेंस शीट है। तो अब जब मैंने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करे होंगे कहीं भी अब्रॉड में, तो इन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इशू करने के बाद मुझे इसका इशू प्राइस मिला होगा लोगों से, लोगों ने मेरे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स खरीदे तो फ्री में तो खरीदे नहीं होंगे, इसके बदले कुछ तो दिया होगा, तो मुझे इसका इशू प्राइस मिला। ठीक है, मैं यहाँ पर PNL भी बना देता हूँ। ओके, अब इसका इशू प्राइस मुझे मिला, तो जो इशू प्राइस मुझे मिला होगा वो एक तरीके से मेरी एक लायबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि मुझे इशू प्राइस मिला है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का, तो जब ये मैच्योर होंगे तब मुझे ये मैच्योरिटी अमाउंट इनको वापस करना ही है, तो मैं अपनी लायबिलिटी साइड में इसको रिकॉर्ड करूँगा। अब जो ये पैसे मिले मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लोन के तरीके इस्तेमाल कर लूँ, तो मैं लायबिलिटी में इसको यहाँ पर लोन्स के उस पर, लोन्स लायबिलिटी में जो मेरे को इशू प्राइस मिला मैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लूँगा बैलेंस शीट में, और यहाँ पर अमाउंट जो आएगा वो मेरे बैंक में आएगा, तो बैंक में यहाँ पर अमाउंट बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो लोन मेरा बना मेरे बैलेंस शीट में, ये क्या क्लासिफाई हो जाएगा? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, क्योंकि मैंने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करके जो है इस लोन को अपने पास लिया है, तो ये मेरे बैलेंस शीट में ECB आ गया, बैंक में पैसा आ गया। जैसे जैसे यूटिलाइज़ करूँगा ये जाता जाएगा, जैसे जैसे लोन रीपे होगा, अगर ये जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा मचोरिटी पे रीपेबल है तो मचोरिटी पे जाएगा, अगर ये पार्शल रीपेमेंट में इंक्लूडेड है तो पार्शली कम होता जाएगा। ठीक है, अब जो भी इंटरेस्ट मुझे इसके अंदर देना पड़ेगा, इनको कूपन तो देनी पड़ेगी, कूपन रेट होती है ना बॉन्ड्स की, जो आप इस एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते जाते हो, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जितना भी मेरा लगा है वो एज अ कॉस्ट यहाँ पर, एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप ये प्रोसीजर क्लियर रहा होगा। वैसे ही सेम प्रोसीजर होता है इन FCCBs, FCEBs, जो भी आपके होते हैं ना, FCCBs, FCEBs, या फिर नोट्स, या फिर प्लेन बैंक लोन भी, तो इन तरीकों से आप जो है इसको रेस कर सकते हो। अब चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक देखें कि हु कैन लेंड। अब अपन ने देख लिया कि आप कैसे ले सकते हो, अब पॉइंट है कि आप किससे ले सकते हो या कहां से जो है आप इस लोन को ले सकते हो। हु कैन लेंड? द लेंडर शैल बी अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कंप्लाइंग विद द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री कंप्लाइंग विद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? ये जब आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ेंगे उसमें आएगा, तो ये जो FATF है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर खासा खास ध्यान देती है कि कहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग में तो इंडल्ज नहीं कर रहे। इसलिए ऐसी कंपनीज जो ऐसी कंट्रीज हैं उनके रेसिडेंट्स होने चाहिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर आती हो। तो ये एक ग्लोबल टास्क फोर्स बनाई गई है जो ओवर द वर्ल्ड मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करता है। सारी की सारी कंट्रीज़ इसका पार्ट नहीं है, कुछ कंट्रीज़ हैं कुछ कंट्रीज़ नहीं हैं, तो आप ऐसी कंट्रीज से ही बोरो कर सकते हो जो कंट्रीज़ FATF का पार्ट है। इंडिया इसका पार्ट है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज़ कमीशन, ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज़ पर ध्यान देती है। तो लेंडर जो भी है वो इन कंट्रीज़ में होना चाहिए जो FATF और IOSCO का पार्ट हो, इंक्लूडिंग, इनके अलावा इंक्लूडिंग मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया शुड बी अ मेंबर कंट्री। अगर आप कोई मल्टीलैटरल मतलब जो मल्टी लेवल्स पर हो, अलग अलग कंट्रीज़ में इंक्लूडेड हो, या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर आप उनसे ले रहे हो, तो उसमें भी जब आप मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे तो वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिनकी उसमें इंडिया भी आता हो। ठीक है, इंडिविजुअल्स, आप इंडिविजुअल से भी ले सकते हो, ओनली इफ़ दे आर होल्डिंग इक्विटी इन फॉरेन और बॉन्ड्स और डिबेंचर्स लिस्टेड अब्रॉड। लेकिन सिर्फ ऐसे ही इंडिविजुअल्स जो इक्विटी होल्डिंग करते हो, या फिर आपकी कंपनी में जिनके पास बॉन्ड्स या इंडिविजुअल्स हो। ठीक है, और ये जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं ये लिस्टेड अब्रॉड होने चाहिए, इनकी लिस्टिंग जो है वो बाहर होना बहुत ज़रूरी है। Then foreign branches or subsidiaries of Indian banks only for foreign currency external commercial borrowing, यानी foreign branches से आप ले सकते हो लेकिन सिर्फ foreign currency वाला ECB में ये चीज़ apply होगा। अगर आपको Indian rupees वाले में लेना है तो फिर वो इसमें नहीं आएगा।